नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू कश्मीर के नौशेरा असेंबली सीट से समय की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बताने चलें कि एक बहुत बड़ी जो पब्लिक मीटिंग है वो नौशेरा बस स्टैंड में यहाँ पर रखी गई है, जिसमें फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की बात करें या फिर ये कहें कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं लारवी साहब, वो इस समय जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ा जो जनसैलाब है वो इस समय जो है वो नौशेरा में देखने को मिल रहा है, और कई सारे लोग जो है वो इस समय सुरेंद्र चौधरी जी की रैली में यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि मियां अल्ताफ साहब लारवी की बात करें जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी इस पब्लिक मीटिंग में यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो तादाद है वो इस समय जो है वो नौशेरा में यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये कहें कि जबरदस्त जो मुकाबला है वो नौशेरा असेंबली सीट पर यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज एक बड़ी पब्लिक मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है? ये पब्लिक मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है, इसमें हमारी एनसी की जीत निश्चित है, कोई शक नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। इससे पहले बीजेपी से यहाँ पर रविंदर राणा जी भी एमएलए रह चुके हैं, क्या क्या काम उनके दौरान यहाँ पर हुए? उनका काम तो हमें कोई दिखा यहाँ पे नौशेरा में, एक भी काम बता दो, एक भी कोई सिर्फ जुमले है उनके, कोई काम नहीं है। तो क्या क्या सोचकर आप इस समय जो है वो एनसी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे बच्चे नौजवान बेरोजगारी से तड़प रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। बच्चे कोई बच्चे को कोई असर में, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, फौज में भर्ती बंद, सब कुछ बंद हो गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे नौशेरा से? ये इस समय यहाँ पर जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, और मियां अल्ताफ साहब की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आप भी यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुरेंद्र चौधरी साहब ने बहुत ही मेहनत की है, इस मेहनत का फल मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे तो हम उनका लोग देख के, जहाँ लोग देख के उनको पता चलेगा भाई सुरेंद्र चौधरी साहब ने कितनी मेहनत की है। तो चौधरी सुरेंद्र साहब बहुत ही मेहनती हैं और वफादार हैं, और हमारे साथ उनको पूरा भरोसा है, हमारे साथ हमारा हिसाब करेंगे, इसलिए हम उनको डट के वोट देंगे। क्या क्या परेशानियां आपकी इस एरिया की? इसकी हमारे पास परेशानी हर चीज की है, स्कूल की, जैसे स्कूल में टीचर्स नहीं है, जैसे पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं है, पैसे ले रहे हैं पानी नहीं है, बिजली की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, नौकरियों की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। अब हमारे को कोई भी काम इन 10 सालों में रैना साहब ने कुछ काम नहीं किया, तो हमारा इसलिए हम रैना साहब से जबरदस्त नाराज है। हम डट के सुरेंद्र साहब को, चौधरी को वोट देंगे और जिताएंगे, और आने वाले हमारे समय में काम हो गया, हमारे का पूरा विश्वास है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा जो जनसैलाब है वो इस समय जो है वो नौशेरा में सुरेंद्र चौधरी जी की रैली में यहाँ पर देखने को मिला। लगातार सुरेंद्र चौधरी जी के समर्थक इस समय यहाँ पर पहुंचते हुए एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग जो कि आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा में यहाँ पर होने जा रही है। और एक तरफ रविंदर राणा जी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र चौधरी जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया साहब की जीत, सुरेंद्र चौधरी साहब जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ी लीड लेकर जीतेंगे। क्या क्या आप लोगों के मसले, और इससे पहले जो बीजेपी के एमएलए रहे उन्होंने क्या काम यहाँ पर किया? कुछ काम नहीं किया, आर्टिकल को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सब मुद्दों पर बात होगी। अब सुरेंद्र चौधरी साहब को कामयाब बनाएंगे और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। सर, हम किसी झंडे को नहीं देखते, हम अपना कैंडिडेट देखते हो, रविंदर रैना 10 साल रह के गए हैं, कुछ काम नहीं हमारा यहाँ पे किया गया है। और जो काम सुरेंद्र चौधरी ने एमएलसी में 3 साल में किया है, वो 10 सालों में एमएलए रह के कुछ नहीं किया है। और हमारे नौशेरा की बर्बादी खत्म कर दी है, दुकानदारी भी, हम नौशेरा के कुछ भी दुकानदार कुछ भी पल्ला पार देते, गरीब बंदे बिल्कुल मारे गए। हम इस बार वोट देंगे सुरेंद्र चौधरी एनसी को, 3 नंबर का बटन दबाएंगे, हल पे मोहर लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले आप मीडिया बंदों का शुक्राना करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे जो जलसे का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, और ये आप जनसैलाब जो है जनता का जनसैलाब देख रहे हैं, इसमें ये सुरेंद्र चौधरी का प्यार है। सुरेंद्र चौधरी मास्टर बेली राम जी के बाद अगर ग्राउंड से जुड़ा हुआ कोई नेता अगर है तो वो सुरेंद्र चौधरी जी हैं। इस बार सुरेंद्र चौधरी की जीत पक्की है, और यहाँ पे जो दुनिया काफ़ी नाराज है, जो हमारे रविंदर रैना जी 10 साल से पीछे तक कभी यहाँ पे पता भी नहीं किया उन्होंने इन लोगों का क्या हाल है। और जैसे कि हमारी बीजेपी बोर्ड मीट ने अग्निवीर का फैसला लिया, यानी कि ये बेल्ट फोर्स हमारी पूरा इलाका, जो पूरा बेल्ट अपना बॉर्डर इलाका है, ये पूरा बेल्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड है। और मैं आपसे
ये अग्निवीर ना होने के कारण यहाँ जनता का जो लगभग इस बार तय है कि सुरेंद्र चौधरी की जीत ये पक्की है। तो देख सकते हैं हर किसी का यही कहना है कि हम जो है वो जी भैया हम यही बोलना चाहते हैं बीजेपी के वर्कर ऐसे हैं, एक हमारा सरपंच है जो चौकी गांव का है बिंदु चौधरी, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता था बीजेपी को यहाँ अंदर नहीं आने देंगे, आज उनका वर्कर बना ये। और आज कोई किसी पे घर पे लड़ाई होती है तो बोलते हैं एनसी वालों ने मार दिया, आज उनको कोई वोट देकर राजी नहीं है, आज उनका यही है जमीनिया कि एनसी वाले मारते हैं। अब उनके पास बचे कुछ नहीं है, जब बचा था तब उन्होंने किया कुछ नहीं है, डिग्री कॉलेज डॉक्टर बेली राम ने बनाया रिबन काट रही है, आज हॉस्पिटल बनाया डॉक्टर बेली राम ने दिया और यह रिबन काटे आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सके साथ। हम यही अदा करते हूँ सुरेंद्र चौधरी को वोट देना चाहिए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के नौशहरा असेंबली सीट से ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना जी जो है वो मैदान में है, दूसरी तरफ सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो वो मैदान में, एक जबरदस्त जो कांटे की टक्कर है वो जो है वो इस सीट पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भी लोग मैम क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र चौधरी जी के लिए? सुरेंद्र चौधरी वोट देने जिताना। रविंदर रैना जी की बात करें तो क्या क्या काम उन्होंने आपके लिए? रैना साहब ने कोई काम नहीं किया, 10 साल मून दस्यादर कोई काम नहीं किया, इन्हें अपना घर बनाया, अपना घर भरिया, गरीबा के गले कटे ने, ठीक है, आने बहुत दिते गरीबा गले कटे ने, साड़ी बेरोजगारी की बच्चा की, साढ़े बच्चे हल घर खजल होंगे पढ़े लिखे बच्चे। सर हम चाहते हैं कि इस बार सुरेंद्र चौधरी ही बने और रविंद्र रैना साहब है जो वो तो रैना साहब से क्यों नाराज है क्या? सर उन्होंने 10 साल तक अपनी शक्ल नहीं हमने उनकी देखी, कोई काम कराया, कोई कुछ भी नहीं करवाया। क्या क्या मुद्दे हैं आपकी इस एरिया के जो हल होने चाहिए, डेवलपमेंट को लेकर, सड़कों को लेकर, किसी भी तरह सर कुछ भी नहीं करवाया, हमारे बच्चे बेरोजगार ऐसे सड़कों में घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं माता जी क्या कहना चाहेंगे, देखना चाहेंगे रंडी मिस्कीन ही है ना, मांग के लिया हूँ लगी एक जलो यू है एक और है अंदर तेरे सरकार ने कुछ किता थोड़ा आस्ते कोई मदद की थोड़ी कख नहीं किया, कोई नहीं किता ना। सुरेंद्र चौधरी तो बोला क्या उम्मीद है? सुरेंद्र चौधरी दिया को मैंने इसे वोट छा वोट रहा मदद कर दे मदद करा बस चौधरी सिंदर रंजिया मैं पता लग जाऊंगा अल्लाह ने मेरी मदद करी और रंडी मिस्कीनी है। बिल्कुल, हर किसी बुजुर्ग का भी ये कहना है कि मैम क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा यही कहना है कि सारे मिलजुल कर सुरेंद्र चौधरी को वोट दें। और इससे पहले जो यहाँ पर बीजेपी के एमएलए रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया? सर हमारा कोई काम नहीं करवाया। क्या क्या मुद्दे हैं आपके एरिया के जो हल होने चाहिए? सर बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सुरेंद्र चौधरी के जीतने के बाद ही हल होंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत से मुद्दे हैं हमारे यहाँ, सुरेंद्र चौधरी पूरा करेंगे, इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इससे पहले जो लोग यहाँ पर जिताकर आपने आगे भेजे उन्होंने कोई काम किए? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है, हम सब बंसी के साथ हैं, हम हमारी जीत पक्की है, सुरेंद्र चौधरी जी जीतेंगे और जीत के रहेंगे। हर तरफ इस समय आप देख सकते हैं सुरेंद्र चौधरी जी के हक में एक बड़ा जन सलाब है, हालांकि कुछ ही देर में फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पहुंचेंगे और मेंबर पार्लियामेंट से जो है वो नियत साफ साहब लारवी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या 30 रुपए दिहाड़ी पे आज के जमाने में आपका घर खर्च चल सकता है? हम यकीनन आपको ये आश्वासन देते हैं कि अगर नेशनल कांग्रेस की हुकूमत आती है तो उस पत्ते का बड़ा का क्या सरकार। आप जनता भी जरूर बताए कि आपके इलाके का एमएलए जो है वो कौन बनना चाहिए, और इससे पहले बीजेपी का अगर कोई आपके एरिया में एमएलए रहा तो उन्होंने जो है वो क्या कुछ काम कराए हैं? सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? जनाब उमर साहब क्या नाम है? शकील अहमद। क्या कहना चाहेंगे आज एक बड़ी पब्लिक मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है और आप यहाँ पर? सरकार जनाब सुरेंद्र चौधरी जी को कामयाब करना है और भाजपा को यहाँ से भगाना है, तभी ये जम्मू कश्मीर जो हमारी जिसको स्टेट बना के यूटी में तब्दील किया गया इसको फिर से हम स्टेट में लाना चाहते हैं, यही हमारी लड़ाई है। नौजवानों को रोजगार देने की लड़ाई है और जो स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर थोपे गए हैं उनको हटाने की लड़ाई है और जो पानी के ऊपर ये टैक्स लगाने वाले हैं उनको उनसे बचने की लड़ाई है और ये जो हमें झूठे जहाँ से पहले हमें इन्होंने झूठा वादा किया कि 15-15 लाख देंगे और 500-500 रुपए इन्होंने हमारी जेबों से
निकाल के बैंकों में जमा करवा लिए, लेकिन 15 लाख तो दूर की बात, 5 रुपए भी इन्होंने हमें नहीं दिए। तो ये सारी चीजें जो है इनके खिलाफ लड़ाई है, और ये जो लड़ाई है ये हमें हमारे यूथ को, जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको बचाने की लड़ाई है। और जो इस समय जो लोग बेरोजगारी फैली हुई है, बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई। 10 सालों में क्या क्या काम यहाँ पर हुए हैं? कुछ नहीं हुआ सर, नथिंग, एक ही लफ्ज़ है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ यहाँ। बीजेपी तो कहती है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हमें जो बीजेपी ने तोहफे दिए हैं 10 साल में, हमें वो तोहफे नहीं चाहिए। जो खुशी इन्होंने कहा था कि हम खुशी के दिन लाएंगे, हमें ये वाली खुशी नहीं चाहिए। हमें जो 2014 की खुशी थी, 2014 से पहले जो हमारे पास खुशी थी, मेहरबानी करके हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश करते हैं, हमें 2014 वाली जो खुशी थी, उससे पहले खुशी थी, वो खुशी हमें लुटा दीजिए खुदा रहा। क्या कहेंगे सर? 2020 में कोरोना था, 21 में भी कोरोना था, 2022 में भर्ती हुई थी आर्मी की, जिसमें हमारे इस नौशहरा के एरिया में 80% लड़के सेलेक्ट हुए थे, जिसमें फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था, वो फिजिकल मेडिकल मैंने भी दिया था। लास्ट में इन्होंने क्या किया, रिटर्न कैंसिल कर दिया। रिटर्न क्यों कैंसिल किया? अग्निवीर स्कीम लानी थी तो बाद में भी ला सकती, जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनका रिटर्न क्यों कैंसिल किया? अगर भर्ती हुई थी उनका रिटर्न लेना चाहिए था। वो बच्चे आज ओवर एज हो गए हैं, वो आज रो रहे हैं। सर बीजेपी ने क्या किया इस हालत से? बच्चे जो है, कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई है, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और भर्ती सर बिल्कुल कैंसिल कर दी। अगर भर्ती वो हुई थी उसकी फी कहाँ गई है सर? जो भर्ती उन्होंने फॉर्म लगाए थे उसकी फी कहाँ चलेगी? अगर भर्ती कैंसिल कर दी है, कैंसिल क्यों गई है सर भर्ती? क्योंकि 2022 में सर भर्ती हुई थी, उसके बाद फिजिकल भी हुआ था, मेडिकल भी हुआ था, लेकिन रिटर्न उन्होंने कैंसिल किया। और सर नौशहरा में कोई काम नहीं हुआ। और आज जो हॉस्पिटल है हमारा, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया था कांग्रेस के टाइम। आज 2024 है, अभी तक सर कंप्लीट नहीं हुआ। और जो हमारा नौशहरा है 2 महीने सर बंद रहा, 60 दिन। एक हमारा भाई है हमारे साथ ही, उसकी आंख चली गई है, लेकिन इन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट तक नहीं दी। सर आज किस नाम से ये वोट मांगते हैं? सर ये सिर्फ वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम, बस रिलीजन के नाम पर। वोट मांगना है तो काम करके दिखाओ, लोगों के काम करके दिखाओ, तभी वोट मांगो। काफी जबरदस्त तादाद में लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, और काफी सारे लोग की बात करें तो वो इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंचे हैं। और इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है कि हालांकि एक बड़ा जनसलाब इस समय यहाँ पर है, और देखने वाली बात है कि यहाँ की जनता जो है वो किसे जिताकर आगे भेजेगी। लेकिन आप जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर कमेंट्स में बताएं कि रविंदर रैना जी को लेकर आप सब लोगों का क्या कहना है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, कौन आपके एरिया का एमएलए होना चाहिए? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। इससे पहले जो रविंदर रैना एमएलए रहे उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। कौन होना चाहिए आपके एरिया का? सुरेंद्र चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमारे मसले हल करेंगे। हमें इन पर विश्वास है। दफा 370 जाने के बाद हम लोग मर गए, दफा 370 जाने के बाद हमारी कोई पहचान नहीं रही, हमारी रियासत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। कोई भी रोजगार नहीं, बच्चे बेरोजगार है, कोई रोजगार ही नहीं है, महंगाई सिर पर चढ़ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, जैसे कि पिछले 10 साल में आम गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस मोर कितने लानी है।